हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और प्रोडक्ट रिव्यू के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को टच कीजिए नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष कुमार, स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूं। एक का नाम है क्लिंजन रॉयल क्रीम और दूसरा है एक्ने फ्री एंटी एक्ने सोप। और दोस्तों इसका यूज़ एक्ने पिंपल्स को ठीक करने के लिए किया जाता है और एक्ने पिंपल्स के वजह से जो परेशानियां होती है, जैसे दर्द हो जाता है, उसमें सूजन हो जाती है और कभी कभी रेडनेस भी आ जाती है उनमें, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस एक्ने फ्री सोप के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसकी बात कर लेते हैं जो कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड कराई है। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो एस्ट्रो लैब्स लिमिटेड द्वारा ये बना हुआ सोप है और इस 75 ग्राम के सोप की जो कीमत है 62 रुपीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई है। अब बात करते हैं इसके इन्ग्रेडियंट्स की कि कौन कौन से इन्ग्रेडियंट्स का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो इसमें जो मेन इन्ग्रेडियंट्स हैं उसमें दो प्रकार के हैं, पहला है सैलिसिलिक एसिड और दूसरा है ट्राइक्लोसन यूएसपी। और दोस्तों यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड जो होती है स्किन में, त्वचा में जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं प्रदूषण और धूल मिट्टी की वजह से, उसको ये साफ़ करता है और जो ओपन खुले पोर्स होते हैं उसको भी ये ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। दूसरा जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो है ट्राइक्लोसन, जो एक प्रकार का एंटीबैक्टीरियल तत्व होता है जिसके वजह से जो त्वचा में बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जिसके वजह से ही एक्ने पिंपल्स होते हैं, उसको ये ख़त्म करता है, ठीक करने में मदद करता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन फॉर यूज़ की कि कैसे आप इसका यूज़ करेंगे। तो दोस्तों नॉर्मली जैसे आप फेस वॉश का यूज़ करते हैं वैसे ही इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको करना है अपने चेहरे को साफ पानी से साफ़ कर लीजिए, धो लीजिए और जिससे कि चेहरा गीला हो जाए। उसके बाद आपको इसको डायरेक्ट अपने चेहरे पर नहीं रगड़ना है, हथेलियों में सबसे पहले पानी लेकर के इसका झाग बनाइए, उसके बाद अपने चेहरे पर उस झाग को लगा करके हल्के हाथों से मालिश कीजिए। अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा एक्ने पिंपल्स हैं और तो आपको ज़्यादा नहीं रगड़ना है, इसको हल्के हाथों से उसको साफ़ कर लीजिए चेहरे को साफ करके, और झाग को वैसे ही कुछ देर के लिए यानी 2 से 3 मिनट के लिए उस झाग को चेहरे पे रहने दीजिए, उसके बाद साफ़ पानी से उसको धो लीजिए। इस प्रकार से आप सुबह शाम या दोपहर भी 3 टाइम भी आप इस सोप का यूज़ कर सकते हैं चेहरे को साफ़ करने के लिए। इस प्रकार से जो आपके चेहरे में आपकी जो त्वचा में अशुद्धियाँ होंगी, जो बैक्टीरिया होंगे, वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे और आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा, स्वस्थ दिखने लग जाएगा। इस प्रकार से अगर आप यूज़ करते हैं तो आपके एक्ने पिंपल्स जो भी हैं और उसके वजह से जो सूजन आ गई है, रेडनेस आ गई है, वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसमें सोप कैसा है, उसका कलर कैसा है और उसका स्मेल कैसा है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हल्के क्रीम कलर का सोप है, थोड़ा सा वाइटिश कलर है इसका और इस पे एस्ट्रो कंपनी का नाम लिखा हुआ है। और जहाँ तक स्मेल की बात है, जो भी मेडिकेटेड सोप होते हैं, एंटीबैक्टीरियल सोप होते हैं, जस्ट उसी प्रकार का इसका स्मेल है, लेकिन ज़्यादा फास्ट स्मेल नहीं है और तेज़ स्मेल नहीं है इसका, सॉफ्ट स्मेल है, आपको पसंद आएगा। इस प्रकार से आप इसका यूज़ अच्छे से कर सकते हैं, मेडिकेटेड सोप है और आपके स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया साबित होगा। तो आइए दोस्तों अब बात करते हैं क्लिंजन रॉयल क्रीम के बारे में। तो ये भी एस्ट्रो लैब्स द्वारा बना हुआ एक क्रीम है और इस 20 ग्राम का जो ट्यूब है इसका जो कीमत है, प्राइस है, वो 205 रुपये की है। अब बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की। तो इसमें मुख्यतः दो प्रकार के इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, पहला है एडोप्लेन और दूसरा है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट। और इसमें दो प्रकार के प्रिजर्वेटिव का भी इस्तेमाल किया गया है जो इसको सेफ रखने के लिए किया जाता है, पहला है मिथाइल पैराबेन और दूसरा है फेनोक्सी इथेनॉल। और इस प्रकार से दोस्तों ये एक एंटीबैक्टीरियल और एंटी एक्ने क्रीम है जिसका इस्तेमाल चेहरे के जो एक्ने पिंपल्स हो जाते हैं उसकी रोकथाम के लिए किया जाता है, उसके उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा जो पीठ के भी एक्ने पिंपल्स होते हैं, जो फुंसियाँ होती हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके यूज़ कैसे करना है। तो जैसे नॉर्मली आप क्रीमों का यूज़ करते हैं इवनिंग मॉर्निंग, वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है।
सबसे पहले आप, जैसे मैंने पहले बताया, इस सोप का यूज़ करना है, जिस प्रकार से डायरेक्शन बताया है उसी प्रकार से इस सोप का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद चेहरे को सुखा करके इस क्रीम का सुबह शाम आप यूज़ कीजिए। 3 बार भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा एक्ने पिंपल्स की आपको समस्या है तो इसको 3 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आपके अगर चेहरे में रेडनेस भी है, उसमें पस पड़ जाता है एक्ने पिंपल्स में, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल करके एक्ने पिंपल्स से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, इसमें जो क्रीम है वो उसका टेक्स्चर कैसा है और उसकी जो स्मेल है वो कैसी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत कम ही क्रीम, या अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि ऐसी पैकेजिंग में कोई भी क्रीम आती है मार्केट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सेफली इसको पैक किया गया है। तो आइए दोस्तों, अब इसका देखते हैं टेक्सचर कैसा है। मैं अपने हाथों पे थोड़ा सा अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ इसके टेक्सचर के बारे में। ये एक प्रकार का जेल है, हल्का सा मैं लेता हूँ इस जेल को अपने हाथों पे और मैं आपको दिखाता हूँ इसको अप्लाई करके अपने हाथों पे। तो दोस्तों, मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि एकदम बिल्कुल ही हल्का ये है, बिल्कुल ही चिपचिपा नहीं है। इसको दोनों तरह के जो स्किन वाले हैं, ऑयली स्किन वाले और जो ड्राई स्किन वाले हैं, वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप दोनों इस सोप और इस क्रीम का यूज़ करते हैं तो आपके एक्ने पिंपल्स की जो समस्या है उससे रिलेटेड जो भी समस्या है, जैसे उसमें पस बढ़ जाना, दर्द होना, रेडनेस आ जाना, वो समस्याएं धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाएगी और ये एक प्रकार का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया आपका आज के वीडियो में एक्ने पिंपल्स से रिलेटेड। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।